सो या अगर जो लोग BHU कैंपस जा चुके हैं या वो कभी देखा है, विज़िट किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये हम रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पर मैं हूँ लंका की तरफ, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, और ये है दोपहर का टाइम। तो BHU को अंदर से पूरा एक्सप्लोर करूँगी, विश्वनाथ टेम्पल जो है वो एक्सप्लोर करूँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं ये ओल्ड वाराणसी यहाँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है BHU कैंपस की। और अंदर मैं आपको एक और ख़ास चीज़ दिखाऊंगी, वो है यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल, दैट इज़ विश्वनाथ टेम्पल। तो अभी मैं BHU के लंका साइड गेट पर हूँ, और ये रही काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ एंट्री गेट से पहले सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आपको स्टूडेंट्स का जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो मिलता है, जैसे स्टेशनरी से लेके, बेडिंग से लेके, खाने पीने से लेके, और जो भी साइबर के जो काम होते हैं वो सब बाहर ही हो जाते हैं। तो हमने एंट्री कर दी है। एंटर करते के साथ यहाँ पर सुंदरलाल हॉस्पिटल पड़ेगा। तो अभी पैंडमिक की वजह से तो यहाँ के कॉलेजेस हॉस्टल बंद हैं, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हर चीज़ ओपन है मेडिकल में। और ये रहा यहाँ का सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, और यहाँ का जो डेंटल वाला पार्ट है वो अलग एरिया में है, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और जहाँ डेंटल की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको कराना है, जो भी प्रॉब्लम है वो आसानी से यहाँ हो जाती हैं। तो चलिए, ये हॉस्पिटल मैं आपको दिखा दी हूँ, अब हम चलते हैं डेंटल की तरफ। तो यहाँ का फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस बहुत ही बड़ा था, बहुत ही ब्रॉड एरिया में था, इसलिए ये पूरा सुंदरलाल हॉस्पिटल से अलग थोड़ा पार्ट था इसका, बट है ये BHU का पार्ट ही। तो जैसे कि मदन मालवीय मोहन जी ने इसको इस्टेब्लिश्ड किया, लेकिन आज भी बहुत ही अच्छे से ये कंटिन्यू है, और पूरी यूनिवर्सिटी बहुत ही आगे है। जैसे इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में बनारस यूनिवर्सिटी आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के OT का रूम है जहाँ पर डॉक्टर पेशेंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी दांतों की प्रॉब्लम जो होती है यहाँ पर सॉल्व होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, और रेट जो होता है वो बहुत ही सही होता है। आप यहाँ आएँ, पर्ची कटवाएं, और यहाँ स्टूडेंट्स की क्लासेस होने वाली हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं ये इनका क्लास का रूम है, और यहाँ पर स्लिप कटती है, और हमें अपॉइंटमेंट मिल जाता है फिर डॉक्टर से, और बहुत ही जल्द यहाँ काम हो जाता है, कोई इतना भी टाइम नहीं लगता है। जितना जल्दी आएंगे हमारा काम उतना जल्दी हो जाएगा।
तो चलिए यहाँ के बाद डेंटल के बाद हम वापस जाएंगे BHU में और हम जाएंगे कैंपस के अंदर। हम जितने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कैंपस को अंदर से पूरा व्यू दिखाएंगे, सारे डिपार्टमेंट्स दिखाऊंगी, फैकल्टीज़ दिखाऊंगी, हॉस्टल का व्यू दिखाऊंगी बाहर से, बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक और ये लॉकडाउन की वजह से हॉस्टल कॉलेजेस ये सारे चीज़ अभी ओपन नहीं हुई हैं। बट कैंपस बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ग्रीनरी थी कैंपस के अंदर, इन्वायरमेंट बहुत साफ़ था। और BHU में IIT की वजह से तो BHU है ही फेमस, यहाँ का IIT हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल दोनों ही यहाँ के बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। तो अगर आप चाहते हैं BHU का स्टूडेंट बनना इन फ्यूचर, तो ऑनलाइन फॉर्म सारे अवेलेबल होते हैं, आप BHU की साइट पर जाकर वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ या स्टूडेंट की, तो यहाँ से एक मरतबा 21,000 स्टूडेंट या उससे भी ज़्यादा पढ़कर निकलते हैं। तो हॉस्टल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, फैकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, डिपार्टमेंट्स एंड कोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो ये रहा BHU का इन अंदर से व्यू। तो अगर आप BHU के स्टूडेंट हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो कैसी लगी, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ का MBA डिपार्टमेंट है, तो फैकल्टीज़ में अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि सारी फैकल्टीज़ अभी बंद हैं कोरोना इस पेंडेमिक की वजह से। तो अगर आप BHU स्टूडेंट हैं या इनरोल होना चाहते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी प्रिपरेशन करें और उसको क्वालिफाई करें, और यहाँ के जो BHU स्टूडेंट होने के जो पर्क्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो हासिल करें। जैसे कि यहाँ पर वाईफाई है कैंपस में, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ का मेस बहुत अच्छा है, और यहाँ अगर आप इनरोल रहते हैं तो आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है, यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो फ्री है। कैंपस के अंदर साइबर लाइब्रेरी है, और यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी जो है बहुत ही बड़ी है। तो सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन है, इसकी वजह से मैं अंदर की चीज़ें नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन जब भी ओपन होगा मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी जो शॉप हैं, यहाँ जो स्टॉल लगते थे खाने पीने के, वो सब बंद हैं। और यहाँ जो VT है यानी विश्वनाथ टेम्पल है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंदर जाके पता चला वो भी बंद है, बस उसका जो ग्राउंड था वो ओपन था और हम लोग इस तरह से दूर से इसको देख सकते थे। तो आप इसकी हाइट्स देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हाइट है, बट ये अंदर से बहुत ही नीट क्लीन और अच्छा है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैं एक बार आ चुकी हूँ 2-3 साल पहले। तो अभी तो फ़िलहाल कोरोना की वजह से ये भी बंद है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग को जितना मैंने BHU के बारे में बताया, एज अ BHU स्टूडेंट क्या क्या पर्क आप हासिल कर सकते हैं अगर आप यहाँ इनरोल होंगे, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ VT टेम्पल यानी काशी विश्वनाथ टेम्पल, और इसको विज़िट करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बट इस टाइम इतनी यहाँ क्राउड नहीं है और अंदर जाना तो बंदी है यहाँ पर। तो आप दूर से ही देखिए और इंजॉय करिए काशी विश्वनाथ टेम्पल को। और इसके बाहर जो है सारी खाने पीने की चीज़ें, स्ट्रीट फूड लगा रहता है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मज़े रहते हैं। कैंपस के अंदर भी हर चीज़ मिलता है, जैसे कि पनीर रोल हो गया, वेज रोल हो गया, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल होती हैं। और यहाँ की चाय, शेक, कॉफ़ी, ये सब बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पर इसका जो कैंपस का एनवायरनमेंट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा ग्रीनरी था और अंदर ही ऑटो इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अवेलेबल थे। तो यहाँ अगर
तो बस मेरी विश तो ये है जल्दी से सारे जो कोरोना चल रहा है, ओमिक्रोन आ रहा है, कोई नया वेरिएंट ये वो, ये सारी चीज़ें जल्दी से ठीक हो और स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज लाइफ को एंजॉय करें। तो क्योंकि जो कॉलेज ऑफलाइन थ्रू होता है वो उसमें मज़ा ही अलग होता है, इंट्रैक्शन ज़्यादा अच्छे से होता है। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से ये अभी इतना यहाँ पर ज़्यादातर बंद ही है। तो और अगर आप लोग चाहते हैं BHU में इनरोल होना तो यहाँ इसकी साइट पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, क्या कट ऑफ मार्क होता है। तो यहाँ की ग्रीनरी और पार्क्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर योगा सेशन भी चलता है। तो बहुत ही अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फ़ी बहुत ही कम है, और अगर एक बार आप इनरोल हो जाते हैं तो हॉस्टल का अकोमोडेशन, हॉस्पिटैलिटी, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी BHU की थ्रू होती है। फ्रेंड्स आई होप सो कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो BHU कैंपस आप लोग घर बैठे देख लिए, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बता दी हूँ। तो अगर आप लोग इनरोल होना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरें और एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, और अभी सारी चीज़ें सारी फॉर्मेलिटीज़ तो ऑनलाइन ही चल रही हैं, तो विज़िट करने की भी यहाँ आपको ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ऑफलाइन अगर आप आएंगे या आपके पेरेंट्स आए यहाँ BHU कैंपस को देखने के लिए, तो यहाँ उन लोगों के लिए गेस्ट हाउस भी है जो उसका नाम है लक्ष्मण दास गेस्ट हाउस, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ एंड अवेलेबिलिटी होती है पेरेंट्स के लिए। वो आके यहाँ स्टे कर सकते हैं एंड BHU को घूम सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं, मैंने देखा चलो यहाँ ये देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए पर्क क्या क्या थे। फ़िलहाल तो ज़्यादा स्टूडेंट्स थे ही नहीं, आप देख सकते हैं जब यहाँ BHU है तो यहाँ लड़कियों के लिए एंड बॉयज़ के लिए दोनों के लिए स्ट्रीट मार्केट होगा, स्टॉल होगा खाने पीने का। तो चलिए देखते हुए चलते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बस BHU से जब बाहर आए तो देखा ये पूरा स्ट्रीट मार्केट दोनों तरफ लंका साइड पर है, और यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट को चाहिए होती हैं। बहुत अच्छा मार्केट है, अफोर्डेबल रेट पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि आप लोग अगर न्यू हॉस्टल अगर आए हैं या न्यू हॉस्ट आपका एडमिशन हुआ है, आपको हॉस्टल मिला है, तो मैट्रेस से लेके पिलो से लेके हर चीज़ बाहर ही बस 1 किलोमीटर की दूरी में ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कपड़े के कलेक्शंस हैं और ब्रेकफास्ट से लेके खाने से लेके सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। तो कॉलेज गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए बहुत आसानी होती है कि कॉलेज हो, हॉस्टल हो और उसके बाहरी मार्केट हो और सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएं। तो यहाँ का अगर मैं टीचिंग प्रोसेस का बात करूँ तो टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं जिस तरह से मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी BHU का एंट्रेंस दे चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमने मज़ेदार सोयाबीन के कबाब और पराठे ऑर्डर कर लिए हैं, और ये बहुत ही स्पेशल पराठा होता है जो उल्टे तवे पे बनता है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ मैट्रेस, ये पिलो, ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से अवेलेबल हैं और सही रेट पर मिल जाते हैं। तो अगर BHU में एडमिशन लें तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्टल का क्या होगा या सारी चीज़ें कहाँ से आप ख़रीदेंगे। अंडर 1 किलोमीटर के एरिया में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी आसान तरीके से। तो ये आगे चले तो ये श्री गुरुदास गेट है, जहाँ से थोड़ा आगे चल के यहाँ की जो बनारस की फेमस लस्सी है पहलवान स्वीट्स के यहाँ मिलती है, और ये लस्सी इतनी टेस्टी थी, बहुत ही टेस्टी थी। तो अगर बनारस आए तो बनारस का पान, लस्सी और यहाँ की चाट, इसके बिना तो बनारस ही अधूरा है, और यहाँ के घाट और BHU। तो ये हमने यहाँ से लिया है एक लंग लत्ती, और ये अभी लस्सी हमारी बन रही है रबड़ी वाली, तो चलिए एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये BHU की वीडियो अच्छी लगी होगी, होप सो। पूरी तरह तो मैंने अंदर कॉलेज का ओवरव्यू नहीं दे पाई क्योंकि पैंडेमिक की वजह से सब चीज़ बंद था, लेकिन हाँ जब ओपन होगा, स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तब जब मैं उनसे इंटरेक्ट करूँगी अगेन, मैं इस पर भी एक नई वीडियो बनाऊँगी। तो बट जितना मैंने ट्राई किया अपने तरफ से कि हाँ मैं ज़्यादातर चीज़ों को कैप्चर कर पाऊँ, लोगों को आसानी हो, जो लोग जानना चाहते हैं BHU है क्या, BHU में एडमिशन लेने के प्रोसेस क्या है, BHU में एडमिशन के बाद पर्क्स क्या हैं। तो पर्क्स तो बहुत ज़्यादा हैं, और ये देखिए यहाँ का ये फेमस तंदूरी मोमोज़ यहाँ मिलता है जो सूपी टाइप का होता है, और ये इतना टेस्टी होता है कि यहाँ जो BHU के स्टूडेंट हैं आपको ये जो मार्केट है लंका में स्ट्रीट फूड यहीं नज़र आएंगे। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग BHU स्टूडेंट हैं या BHU से कोरिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो कैसा लगा आपको वीटी घूमकर? मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरी रेसिपी को देखते क्यों नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्यों नहीं करते, और प्लीज़ कमेंट क्यों नहीं करके बताते कि रेसिपी में और आपको क्या चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा ब्लॉग? तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फूड इज़ गुड विद ज़ेबा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर लीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो इसी तरह मेरी सारी वीडियो को एंजॉय करा करिए और बहुत सारे प्यार करा करिए। तो बस नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करिए,